हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया हुआ है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक द रेडियस ऑफ उस बेस इज 40 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है कि एक पाइप है और उस पाइप से जो वाटर फ्लो है उसका रफ्तार दिया हुआ है 2.52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक। तो जो दिया हुआ है वाटर इस पाइप से निकल के इस टैंक में जा रहा है, टैंक का जो डायमेंशन है उसका बेस है रेडियस 40 सेंटीमीटर। इफ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर इज 3.15 मीटर। अगर पानी कंटिन्यूस हाफ एन आवर तक इस पाइप से निकल के अगर इस टैंक में गिरते रहे तो जो वाटर लेवल है वो 3.15 मीटर राइज हो जाता है। अगर सपोज करो पहले से ही अगर यहाँ तक पानी है, ठीक है, पता नहीं कहाँ तक है, जहाँ तक भी है, तो अगर कंटिन्यूस इस पाइप से निकल के पानी इसमें गिर रहा है तो जहाँ तक भी पानी वहाँ से ये जो इंक्रीज होगा ये दिया हुआ है 3.15 मीटर। ठीक है, तो अगर एम्प्टी होगा तो यहाँ से यहाँ तक जो भी वाटर लेवल राइज हो रहा है ये हो गया 3.15 मीटर, और अगर पहले से भी पानी है तो जहाँ तक भी है, मतलब जो हाफ एन आवर में जो पानी निकला इस पाइप से इसकी वजह से वाटर लेवल कितना राइज हो गया 3.15 मीटर। तो ये 3.15 इस टैंक का हाइट नहीं है, टैंक का हाइट हो सकता है इससे ज़्यादा होगा। ये जो 3.15 मीटर आया ये इंक्रीज इन वाटर लेवल है ड्यू टू वाटर जो इस पाइप से फ्लो हो रहा है, और वाटर जो फ्लो हो रहा है उसका रफ्तार दिया हुआ है 2.52 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पाइप है, अब पाइप कहाँ से कहाँ तक पीछे, ये पाइप का लेंथ एक्चुअल में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 2.52 किलोमीटर हो। इस लाइन का क्या मतलब होता है कि अगर 2.52, मतलब एक बार इसको हम 2.5 रीड कर रहे हैं, अगर 2.5 किलोमीटर लंबे पाइप में जितना भी पानी अट रहा होगा उतना पूरा पानी इस पाइप से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा, 1 आवर। और जो 2.52 किलोमीटर लंबा पाइप होगा तो वो भी एक सिलेंडर की तरह हो गया, तो उतने लंबे पाइप में जितना पानी अटेगा वो पूरा पानी 1 घंटे में बाहर निकल जाता है इस पाइप से, इसका ये मतलब हुआ। तो ये दिया हुआ है एक बार फिर से, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक द रेडियस ऑफ उस बेस इज 40 सेंटीमीटर। इफ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर इज 3.15 मीटर। अगर आधा घंटा तक पानी गिरते रहे तो वाटर लेवल 3.15 मीटर इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। इस क्वेश्चन में जो पाइप है उस पाइप का डायमीटर नहीं दिया हुआ है, हमें पाइप के डायमीटर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें ये हमें दिया हुआ है कि हाफ एन आवर में कितना पानी निकला इस नल के थ्रू। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि ये निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लोज थ्रू द पाइप इन हाफ आवर। ठीक है, हाफ आवर में कितना इस, ठीक है, पाइप से पानी निकला, तो जितना इस टैंक में पानी जमा हुआ उतना ही पानी इस पाइप से बाहर निकला, तो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा, पाई का वैल्यू को तो छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर रेडियस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू 40 इनटू 40, और हाइट कितना हो गया ये मीटर में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 315 सेंटीमीटर इंटू 315। ठीक है, तो 4 4 16 100 इंटू 315 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस पाइप से आधे घंटे में कितना पानी निकला, तो इतना पानी निकला, जितना इस पाइप से निकल के इस टैंक में पानी जमा हुआ आधे घंटे में उतना ही इस पाइप से पानी बाहर निकला, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लोज थ्रू द पाइप इन हाफ आवर इक्वल टू दिस। ठीक है, अच्छा ये एक पार्ट कैलकुलेट हो गया, उसके बाद फिर से हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये तो हमें एक्चुअल पता चल गया कि आधे घंटे में इस पाइप से कितना पानी बाहर निकला। ठीक है, ये एक्चुअल में कैलकुलेट हो गया, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर डैट फ्लोज थ्रू द पाइप
इन 1 आवर। ठीक है, ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाटर फ्लो दिया हुआ है 2.52 किलोमीटर पर आवर। जो वाटर फ्लो है उसका रेट ऑफ फ्लो क्या दिया हुआ है, 2.52 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.52 किलोमीटर लंबे पाइप में जितना भी पानी स्टोर होगा वो पूरा एक घंटे में बाहर हो जाएगा। तो एक घंटे में इस नल से कितना पानी निकलता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लोज थ्रू द पाइप इन 1 आवर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का वैल्यू तो हम नहीं पुट करेंगे, आर स्क्वायर, ये रेडियस मिसिंग है, नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करना है, तो आर स्क्वायर छोड़ देते हैं। हाइट, हाइट क्या है, 2.52 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2.52 किलोमीटर इक्वल टू 252000 आ जाएगा सेंटीमीटर। किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू 252000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लोज थ्रू द पाइप इन 1 आवर। इस पाइप से एक घंटे में कितना पानी बाहर निकलता है, इतना पानी बाहर निकलता है, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप इन हाफ आवर। हाफ आवर में इतना पानी निकला, एक घंटे में इतना पानी निकला। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लोज थ्रू द पाइप, 1 आवर में अगर इतना पानी निकल रहा है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप इन हाफ आवर। एक घंटे में अगर इतना पानी निकल रहा है तो आधे घंटे में कितना पानी रिलीज होगा, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 252000 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं, और ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब क्या है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम लिखा हुआ है, कैसे, ये भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लोज थ्रू द पाइप इन हाफ आवर, और ये भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप इन हाफ आवर। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ गया 1600 इंटू 315 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 252000 डिवाइडेड बाई में 2। पाई दोनों साइड से कैंसिल हो गया, 2 से ही कट जाएगा, 126000, तो ये आ गया 1600 इंटू 315, और ये 126 इधर नीचे आ जाएगा, 126000 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कटता है, ये 20 और 20 तो कट गया, और 4 से चाहे 2 से कट करते हैं, 2 से कट गया 8 बार में, 2 से 630, ठीक है, 630 बार में, 315 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 8/2, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ से आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2। तो रेडियस ऑफ पाइप कैलकुलेट हो गया, जो पाइप का रेडियस है हमें कैलकुलेट किया करना था, फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। तो रेडियस 2 अगर आ रहा है तो इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में पूछिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।